हरियाणा की भूमि हमेशा से राजनीति के दिग्गजों की भूमि रही है। उन राजनेताओं ने यहाँ जन्म लिया है जिन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो। वैसे ही आज बात कर रहे हैं जिला सोनीपत की। जब भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनावों की बारी आती है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता और राजनीतिक दल सोनीपत की तरफ देखने लगते हैं। आज हम चर्चा चुनावों की तो नहीं बल्कि जिला सोनीपत के राय विधानसभा से भाजपा के दिग्गज वरिष्ठ नेता नरेश रोहिला की बात कर रहे हैं। नरेश रोहिला भाजपा पार्टी के लिए 35 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और कदम से कदम बढ़ाकर पार्टी की प्रत्येक गतिविधि में प्रतिभागी बनते हैं। मंगलवार को इस संदर्भ में अर्थप्रकाश संवाददाता आदेश त्यागी ने नरेश रोहिला से विशेष बातचीत की। चलिए दिखाते हैं विस्तार से। इस वक्त हम हैं राय विधानसभा में और हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश रोहिला जी, जिनको लगभग 30 साल पार्टी की सेवा करते हो गए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा एक तरफा जीत होगी भाजपा की, और जो ये कह रहे हैं कि ये उड़ागागढ़ है, उड़ागागढ़ को भाजपा ही तोड़ेगी और भाजपा इतनी वोटों से जीतेगी कि सबकी आंख खुली की खुली रह जाएंगी। सर टिकट का क्या है, कितने टिकट की लाइन में लगे हुए हैं? टिकटार्थी तो बहुत होते हैं, लेकिन टिकट तो एक है ना, जो समर्पित कार्यकर्ता होगा अपना पार्टी का उसको संगठन टिकट देगा। ये संगठन का काम है टिकट देना, कार्यकर्ता का काम है इलेक्शन लड़ना। कितना बहुमत से लगभग पार्टी अपना बहुमत साबित करेगी? वहां बड़ौदा में अपनी भाजपा का जो भी कैंडिडेट आएगा कम से कम 30,000 वोटों से विजयी होगा। गढ़ माना जाता है बड़ौदा? गढ़ तो सोनीपत भी उड़ागा माना जाता था, लेकिन जो भी उड़ागा और कांग्रेस का गढ़ है वो भाजपा ही तोड़ती है, वो आपने देख लिया होगा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश रोहिला सोनीपत से आदेश के साथ। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।